नमस्कार, मैं रामेश्वर तिवारी, लेक्चरर सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान बायोलॉजी आज का जो टॉपिक है अपना न्यूक्लिक एसिड नाभिकीय अम्ल। तो सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट हैं। फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की। उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड को, सबसे पहले इन्होंने खोजा और इसका नाम न्यूक्लीन रखा। न्यूक्लीन न्यूक्लीन नाम दिया। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको उन्होंने पस सेल मवाद कोशिकाओं, कह लीजिए मवाद कोशिकाओं के न्यूक्लियस से पृथक किया था। न्यूक्लियस मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को खोजा, देखा, डिस्कवर किया। उसके बाद अल्टमैन ने ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसके एसिडिक नेचर के कारण, क्योंकि अम्लीय स्वभाव में था ये, और इसके अलावा ये न्यूक्लियस के अंदर था, इसलिए इसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड इसको नाम दिया। इसके बाद और भी बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट आए, कोशल ने न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दी, यानी न्यूक्लिक एसिड किन से बना हुआ है। फास्फोरिक एसिड, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, ये इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो मुख्यतः तीन घटकों से बना हुआ है। ये कोशल ने, इनका बहुत बड़ा वर्क था। बाद में चारगाफ आए, चारगाफ ने ये बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए हो और आरएनए, तो डीएनए में भी जो प्यूरीन और पायरीमिडीन है, खासतौर पर डीएनए के लिए चारगाफ ने कहा कि जो प्यूरीन और पायरीमिडीन है इनके रेशियो इक्वल होते हैं। प्यूरीन इक्वल पायरीमिडीन, ये हर एक डीएनए के लिए लागू होगा, इसको ध्यान रखना है। जो न्यूक्लिक एसिड है ये सभी जीवित कोशिकाओं, जब ऊपर सेल्स में ही उसको इंक्लूड किए थे, तो सभी जितनी भी लिविंग सेल्स हैं सबके अंदर न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, बहुलक है, एक कह लीजिए कि ये बहुलक के रूप में, पॉलीमर के रूप में होता है। ये छोटी छोटी जिन इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को बोलते हैं, यूनिट्स को, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है यूनिट्स। यानी अगर न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करें, जल अवघटन करें, न्यूक्लियोटाइड को हम लोग आगे देखेंगे, यदि न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करें, जल अवघटन करें, तो यह न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः थ्री कंपोनेंट्स में, तीन घटकों में यह टूटता है। कौन कौन से घटक हैं जिनमें यह टूटता है न्यूक्लिक एसिड? यह तीन घटक हैं जिनमें यह टूट जाता है, वो है फास्फोरिक
एसिड H3PO4, यानी इसको संकेत करेंगे पी से दर्शाएंगे। दूसरा पेंटोज सुगर, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, पेंटोज सुगर ये 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, इसको सैंपल इसका देंगे ऐसे दर्शाएंगे। ये पेंटोज सुगर 2 प्रकार की होती है, ये 2 टाइप है इसमें, एक है डीऑक्सी राइबोज सुगर और दूसरी होती है राइबोज सुगर। तो डीऑक्सी राइबोज सुगर एंड राइबोज सुगर। देन नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस क्षार, ये नाइट्रोजिनस क्षार 2 प्रकार के हैं, एक है प्यूरीन और दूसरा है पाइरीमिडीन। प्यूरीन एंड पाइरीमिडीन, ये जो प्यूरीन है ये 2 टाइप इसमें है, एक है एडिनिन, एडिनिन इसको ए से दिखाएंगे इस तरीके से। दूसरा है गुआनिन, गुआनिन, गुआनिन को जी से दर्शाएंगे, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आगे मॉडल में दिक्कत जाएगी। एडिनिन गुआनिन ऐसे याद कर लेंगे, किसी को बुलाते हैं ए जी याद रहेगा, ए जी एडिनिन गुआनिन। और पाइरीमिडीन में साइटोसिन, इसमें भी साइटोसिन सी से दर्शाएंगे, यहां वर्ग ले लें। थायमीन, टी से दिखाएंगे। देखिए जो डीएनए जब हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड चूंकि 2 प्रकार के पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए, तो वो डीएनए में जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये फास्फोरिक एसिड, पेंटोज सुगर में डीऑक्सीराइबोज सुगर होगी, और नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरीन में एडिनिन गुआनिन, और पाइरीमिडीन में आपका साइटोसिन और थायमिन होगा। लेकिन जब आरएनए पढ़ेंगे, क्योंकि पहले बता दिए 2 प्रकार का होगा अभी देखेंगे, तो आरएनए में राइबोज सुगर फास्फोरिक एसिड होगी, राइबोज सुगर होगी, और नाइट्रोजिनस क्षार में से एडिनिन गुआनिन ये प्यूरीन होंगे, पाइरीमिडीन में साइटोसिन होगा बट थायमिन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इसके जगह पर यूरेसिल होगा, यूरेसिल होगा इसके जगह पर, यू से इसको दिखाएंगे जी। तो ये ठीक प्रकार से याद कर लेंगे, ये न्यूक्लिक एसिड में मुख्यतः होंगे। अब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रकार देखें, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मेनतः ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सुगर, प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ सुगर, ये सुगर जो 2 हैं इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर न्यूक्लिक एसिड मेनली 2 टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा है आरएनए, फुल फॉर्म सबको पता होगा, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, और कुछ वायरसेस में जहां डीएनए अब्सेंट होता है वहां पर ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है उन स्थानों पर, जैसे टीएमवी टोबैको मोजोइक वायरस, वहां पर डीएनए एब्सेंट होता है। यानी ऐसा कह लें अगर कि जो एनिमल वायरस हैं वहां पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और प्लांट वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बाकी सब जगह जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट डीएनए, डीएनए को पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़ेंगे अब डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की भी खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। अल्टरमैन ने उसको अलग किया था, वो सबसे पहले चूंकि डीएनए की ही खोज हुई पर्सेल्स पे, तो इस तरीके से अगर कहीं प्रश्न पूछ देता है, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि डीएनए की खोज किसने की, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डीएनए की खोज किसने की थी। अभी लिखा गया था, आप ध्यान दिए होंगे, फ्रेडरिक मिशर ने, ये ध्यान रखना एक क्वेश्चन चूंकि आ जाता है। और डीएनए का जो मॉडल दिया है ये भी पूछता है, तो डीएनए का जो मॉडल दिया है वो जेडी वाटसन एंड क्रिक, जेडी वाटसन और एफ एच सी क्रिक साइंटिस्ट हैं ये दोनों, इन दोनों ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, कुंडलिनी मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वो आगे देखेंगे। सबसे पहले डीएनए देखें पाया कहाँ जाता है, तो डीएनए की जनरली देखेंगे कि जो अधिकांश उसकी मात्रा है, उसका अधिकांश कंटेंट्स है, कहाँ रहता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल हो गई तो ये हो गया न्यूक्लियस, पहले भी बताए हैं, यानी यू सी एल ई यू एस न्यूक्लियस। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, यानी डीएनए यहाँ पर है क्रोमोसोम में, केंद्र के अंदर है, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके मुख्यतः क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, तो यहाँ पर डीएनए की अधिकांश मात्रा होती है, लगभग 98% कह लीजिए कि डीएनए की मात्रा न्यूक्लियस के अंदर होती है, और इसकी थोड़ी बहुत मात्रा कहाँ पाई जाती है? थोड़ी मात्रा माइटोकांड्रिया साइटोप्लाज्म में भी होती है, यानी माइटोकांड्रिया के अंदर होती है, ये माइटोकांड्रिया हो गया, माइटोकांड्रिया में पाई जाएगी, याद रखना ये आते हैं क्वेश्चन, माइटोकांड्रिया, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। और कहाँ पाई जाती है मात्रा इसके अलावा? क्लोरोप्लास्ट में, ध्यान रखना ये क्लोरोप्लास्ट है, मैं संकेत दे दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में बना रहे, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड में तीन रहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सबको एक साथ प्लास्टिड कहते हो, यहाँ क्लोरोप्लास्ट लिख दिए हैं, ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे माइटोकांड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है, इसीलिए तो ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक के अंदर, कुछ मात्रा साइटोप्लाज्म में, माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। डीएनए पॉलीमर है, बहुलक है, एक उच्च अणुभार वाला बहुलक है,
और डीएनए ध्यान रखेंगे, जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, इनको कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ये ले जाने का काम करता है डीएनए। डीएनए इस सृष्टि में ये समझ ले कि गॉड है, भगवान है, यही लक्षणों को वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक ले जाता है। अब डीएनए जो है बताया गया बहुलक है, पॉलीमर है, उच्च अणु भार वाला बहुलक है। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड, इसकी यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले तो इसका कंपोजिशन देखेंगे, जो अभी लिखे थे कि किससे बना होता है, इसका संगठन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो वही चीजें पूरी कंपोजिशन में फास्फोरिक एसिड एक बार लिख दें, भ्रम न रहे, फास्फोरिक एसिड होगा, पी से दिखाओगे। दूसरा यहाँ डीऑक्सी राइबोज सुगर लिखोगे, डीऑक्सी राइबोज सुगर, ये 5 कार्बन वाली शर्करा, सैंपल वही दिखाओगे। और तीसरा नाइट्रोजिनस बेस, इसमें वही प्यूरीन और पाइरिमिडीन, जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए लिख चुका हूँ, एडिनिन गुआनिन पाइरिमिडीन में साइटोसिन एंड थायमिन, संकेत वहां लिखा जा चुका है, ये सभी उपस्थित होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक अगर डीएनए की संरचना देखेंगे तो डीएनए की संरचना में उसके जो उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्योंकि पॉलीमर है, बहुलक है, उच्च अणु भार वाला ये अणु है, तो इसका जब वो करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये इतने घटकों में मुख्यतः टूट जाता है, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरीन पाइरिमिडीन, प्यूरीन मेडिडीन गुआनिन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन थायमिन। डीएनए बना होता है ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोटाइड, इसकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि ये फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल होगा, अणु होगा। दूसरा इसमें डीऑक्सीराइबोज सुगर होगी और कोई एक नाइट्रोजिनस बेस होगा, चाहे प्यूरीन का एक कोई, चाहे पाइरिमिडीन का कोई, इस तरीके से। जैसे ये फास्फोरिक एसिड हो गया पी, सुगर एक जुड़ी होगी, ये डीऑक्सीराइबोज सुगर हो गई, और कोई एक नाइट्रोजिनस बेस जैसे एडीनिन, ये जुड़ गया मान लो, ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड डीएनए में बनेंगे? 4 टाइप, 4 क्योंकि उसमें है, ये आप दिखा लें, ग्वानिन भी बनेगा, साइटोसिन बनेगा और इसका थोड़ा सा बड़ा बना लेना, अलग दिखता रहे, प्यूरीन अलग दिखे, आयत और यहाँ वर्ग दिखा लेना, और ये थायमिन है, यहाँ जोड़ लीजिए, शुगर 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 और फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, अभी आप दिखा रहे हैं कि किससे बने हैं न्यूक्लियोटाइड, डीएनए। अच्छा, इनका नामकरण भी करते हैं, ध्यान रखना, नामकरण इनका जब करेंगे, इनका नाम लिखेंगे, ध्यान रखना, तो अब ये जैसे न्यूक्लियोटाइड, टाइड माने 3 से बने हुए, यहां पर ध्यान रखेंगे कि नामकरण करने के लिए प्यूरीन जो है, जैसे प्यूरीन है, प्यूरीन में नीलिक और पाइरिमिडीन जो है इनमें डिलिक, ध्यान देना, ये सफिक्स लगाते हैं, नीलिक प्यूरीन में और डिलिक पाइरिमिडीन में। तो इनका जब नाम लिखेंगे तो जैसे इसका पहले वाले का नाम लिखेंगे
तो डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, क्या कह देंगे, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, ये इसको क्या कहेंगे, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटे, यहां पर ध्यान रखना ये बताए हैं क्या लगाएंगे, डिलिक, तो साइटिडिलिक डीऑक्सी साइटिडिलिक, और इसी तरीके से लास्ट डीऑक्सी थायमिन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थायमिडिलिक, THIMY थायमिन, THYMIDYLIC थायमिडिलिक एसिड। अब इनके कंपोजिशन तो जान रहे हैं किनसे किनसे बने हैं, अगर देखा जाए कहीं तो नेम उनका आपने नाम दिया है, नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये नाम आ जाएगा, ये आपके न्यूक्लियोटाइड थे। कंपोजिशन अगर दिखाना चाहे तो यहाँ है ही, फास्फोरिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और कोई नाइट्रोजनस क्षार जो भी होगा, एडिनिन है तो एडिनिन जो भी रहेगा उसको आप प्रेजेंट कर देंगे, दिखा देंगे, वहाँ दिखा सकते हैं। दूसरी यही पर आपको एक मजे की बात बता दें, एक और आता है आपका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड में आप फास्फोरिक एसिड को निकाल दीजिए, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, जैसे ये हो जाएगा शुगर है और ये एडिनिन, न्यूक्लियोसाइड ऐसे ही शुगर ग्वानिन, शुगर साइटोसिन, शुगर आपका थायमिन बना लेंगे, तो ये फास्फोरिक एसिड को निकाल दिया, साइड वाला निकाल दीजिए, साइड का तो वो न्यूक्लियोसाइड ही बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसाइड बना होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और कोई एक नाइट्रोजनस क्षार जब मिलेगा उससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड। डीएनए ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है और डबल हेलिक्स का बना होता है, और डीएनए पॉलीमर है, बहुलक है। अगर देखा जाए तो डीएनए चूंकि डबल हेलिक्स का बना होता है, बहुलक है, पॉलीमर है, बेस पेयर में रहेंगे ये क्षार, जब जुड़ेगा भी मॉडल देखेंगे। फिर भी यहां ध्यान रखना है कि अगर देखा जाए तो बैक्टीरियोफेज 5x174, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, नीट वगैरह में बहुत पूछा जाता है, बैक्टीरियोफेज 5x174, इसमें सिंगल हेलिक्स डीएनए होता है, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसकी संख्या होती है 5386, याद रखना ये इतने न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या है, ये न्यूक्लियोटाइड। और ये आपको ये भी याद रखना, ये सिंगल हेलिक्स डीएनए होता है,
सिंगल हेलिक्स डीएनए बहुत कम है, दो स्थान पर आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए। सिंगल हेलिक्स डीएनए जो होता है, एक तो बैक्टीरियोफेज 5x174 होता है और एक और है बैक्टीरियोफेज M13। बहुत मुश्किल से मिलेगा बैक्टीरियोफेज M13। ये सब नीट के क्वेश्चन है, मिलेंगे नहीं बुक वगैरह में, इसलिए ध्यान देना। बैक्टीरियोफेज M13 यहां भी सिंगल हेलिक्स डीएनए ही होता है, बाकी सब जगह डीएनए हमेशा डबल हेलिक्स होगा, इसलिए दो याद रखना। तो यहां पर ये है, कुछ के और देख ले, इस्टीरिया कोलाई यहां डबल हेलिक्स होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया है। यहां पर अगर देखा जाए तो जो बेस पेयर है 4.6x10^6 ये रहते हैं, 4.6x10^6 ये क्या है, बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड नहीं कहना, बेस पेयर, क्योंकि वो जुड़े हो जोड़े में होंगे। और इसी तरीके से ह्यूमन में अगर देखें, ह्यूमन के मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे बात करें तो डीएनए की, उनके न्यूक्लियस में जो डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर, वहां पर थ्री ह्यूमन में, ह्यूमन का भी याद रख लो, ह्यूमन में डीएनए की जो देखेंगे 3.3x10^9 3.3x10^9 ये 3.3×10^9 ये बेस पेयर ह्यूमन के अंदर, ये भी थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा। अब इसके बाद देखेंगे डीएनए का मॉडल, मॉडल ऑफ डीएनए मिटा देना, मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का मॉडल देखेंगे, डीएनए का मॉडल ये डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है, जो कुंडलनी मॉडल कह सकते हो। और ये सबसे पहले सबसे पहले जेडी वाटसन एंड क्रिक, FHC क्रिक, तो वाटसन और क्रिक कह सकते हो, और कौन हो सकते हैं, लिख सकते हो इस मॉडल को वाटसन एंड क्रिक, जेडी वाटसन एंड FHC क्रिक, ये वैज्ञानिक है। इन दोनों ने डीएनए के मॉडल प्रस्तुत किए थे, और ये इन्होंने जो है ध्यान रखेंगे 1953 में इन्होंने मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। और इसके लिए इन्हें जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेलाइज किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि डीएनए के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने अपने मॉडल में जो बातें बताई
उसमें से इन्होंने ये बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स का बना होता है, स्ट्रैंड कह सकते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, जैसे एक स्ट्रैंड ये हुआ थ्री इंड स्टार्टिंग फाइव इंड, दूसरा स्ट्रैंड ये है, ये भी मान लीजिए थ्री इंड है और ये फाइव इंड है, बट ये जब बनाएंगे मॉडल की बात करेंगे, जब ये जुड़ेंगे तो ये दूसरे के अपोजिट जुड़ते हैं। देखिए मॉडल में आए तो आपको समझ में आएगा कैसे मॉडल बनाते हैं डीएनए। इन्होंने अपने मॉडल में जो बातें बताई उसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा डीएनए डबल हेलिक्स का बना होता है, जो ये एक्सिस अक्ष के चारों तरफ विपरीत क्रम में अपोजिट डायरेक्शन में कुंडलित होता है, क्वाइल्ड होता है। जैसे ये एक्सिस हो गई, ऐसे समझे, ये मान लीजिए कि एक्सिस है, अक्ष है, एक्सिस ये अक्ष हो गई, तो कह रहा है डीएनए डबल हेलिक्स का बना है जो एक अक्ष के चारों तरफ, जैसे एक हेलिक्स ये जा रही है, ये अगर थ्री इंड है ये होगा फाइव इंड, ये हो गया, उससे वो तो नहीं है, ध्यान रखना है किस तरीके से ये एक जो है हेलिक्स है ये अच्छा है, दूसरी हेलिक्स मान लीजिए ये है, ये फाइव इंड से स्टार्ट करें अपोजिट एक दूसरे के, ये कुंडलित है, ये थ्री इंड हो, तो ये डबल हेलिक्स का बना है, ये डबल हेलिक्स है, ध्यान रखेंगे, एक हेलिक्स ये हो गई थ्री इंड फाइव इंड ऐसे गई है, तो दूसरी हेलिक्स ये हो गई इधर से चली ये फाइव इंड और इधर ये फाइव इंड, ये थ्री इंड और ये फाइव इंड और ये थ्री इंड, ध्यान देना। इन्होंने दूसरी बात बताई कि प्रत्येक कुंडलन, जो ये कुंडल है हेलिक्स है जैसे इसको माने, इसकी लंबाई जो होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम 34 एंगस्ट्रॉम, प्रत्येक कुंडलन का जो व्यास होता है ये डायमीटर ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, इनके बीच में जो हेलिक्स है यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे चूंकि बने हैं, तो यहां पर 5 पेयर न्यूक्लियोटाइड, 5 जोड़े, यानी कह सकते हैं कि इसमें 5 पेयर उनको उसने इस तरीके से स्टिक डंडे से दिखाया, कह लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये न्यूक्लियोटाइड है, पेयर में है क्योंकि दो हेलिक्स हैं, ये जुड़े हैं आपस में, तो यहां पर ये पेयर में है, एक इसका हाफ डंडे का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, इधर हाफ का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, आपस में ये जुड़े हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड के बीच की यहां से यहां की जो दूरी है ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, जल्दी याद हो जाएगा, कुंडलन की 34 है, बीच में आप पॉइंट रख दीजिए याद रहेगा, तो यहां पर न्यूक्लियोटाइडों के बीच की जो डंडे स्टिक है उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब इस मॉडल में उन्होंने कहा कि जो ये न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ेंगे एक दूसरे से पेयरिंग करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें एक प्यूरीन हमेशा दूसरे पाइरिमिडीन से जुड़ता है, क्लियर याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक प्यूरीन दूसरे पाइरिमिडीन से जुड़ता है, वन प्यूरीन किससे अटैच्ड होगा, अदर पाइरिमिडीन से, एडीनिन, आगे ध्यान देना, एडीनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, दो हाइड्रोजन बांड से, डबल हाइड्रोजन बांड, एडीनिन हमेशा ध्यान देना, एडीनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से, दो हाइड्रोजन बांड से, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है,
तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बॉर्डर बनाते समय आप ये बॉन्ड गलत लगा देते हैं, कट करके एग्जाम में जीरो मार्क्स हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये त्रुटि नहीं है, याद रहे, मंत्र है। एक ये दोनों प्यूरिन है एजी, और ये दोनों पाइरिमिडिन है पीटी, याद रखा है थे उस समय। तो एडिनिन हमेशा थायमिन से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। एडिनिन थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जुड़ते हैं। एडिनिन को कभी भी साइटोसिन से मत जोड़ देना, या ग्वानिन को कभी थायमिन से न जोड़ देना, नहीं तो जीरो मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से जुड़ते हैं, यानी एक प्यूरिन हमेशा दूसरे पाइरिमिडिन से जुड़ता है, एडिनिन हमेशा थायमिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लीजिए इसको मॉडल के रूप में कैसे रहेगा, ये एडिनिन ये किससे जुड़ता है, थायमिन से। तो ये थायमिन, यहां वर्ग हम बनाएंगे, ये लीजिए वर्ग है, ये आयत, पता चलता रहे कि प्यूरिन कौन है पाइरिमिडिन। यहां दिखा लीजिए ये शुगर है और ये फास्फोरिक एसिड है, ये मान लीजिए थ्रीइंड है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये शुगर है, इसको अपोजिट जाता तो अपोजिट कोशिश करें बनाने का, न बने तो भी चलेगा, ये ऐसे ले ले रहे हैं। और ये फास्फोरिक एसिड है, वो थ्री एंड था तो ये फाइव, ये एक डंडे का मतलब हुआ, एक जो ये स्टिक है इसका ये मतलब हुआ कि एक डंडे में, यानी एक न्यूक्लियोटाइड है ये, और ये आगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ये, और एक्सिस का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक्सिस का मतलब किससे है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ध्यान दे रहा। ऐसे बना डाले अब, कम से कम पांच दिखाई ले, एक है इसका अगर दिखा रहे हैं, मान लीजिए थायमिन लिए, ये जुड़ा है एडिनिन से, तो यहां एडिनिन को दिखा दिए, ये यहां साइटोसिन लिए, साइटोसिन ले लिए, तो ये और इसको किससे जुड़ता है, ग्वानिन से, ये ग्वानिन दिखा दिए। ये वर्ग आयत भी ध्यान रखना, प्यूरिन में हम लोगों ने आयत लिया है और पाइरिमिडिन में वर्ग, तो ये ध्यान में रखना। एजी में आप आयत और सीटी में आप वर्ग दिखा लीजिए, नहीं दिखाते हैं तो भी चलेगा, पर एक अलग दिखता रहे। इसलिए ये ग्वानिन और ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, एक और ले लीजिए कोई भी, एडिनिन, एडिनिन ये थायमिन, पांच तो ले ही लीजिए आप, क्योंकि एक हेलिक्स का हो जाए। अभी आगे दिखा लीजिएगा, ये मॉडल में जैसे शुगर, 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 कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये फास्फोरिक एसिड, मॉडल दिखाते हैं तो ये दिखा लेते हैं, ये ऐसे दिखा ले, ऐसे इधर भी दिखा ले आप, तो पूरा आपका कंप्लीट बन जाएगा मॉडल। ये एक हेलिक्स के बीच की बात की गई, यहां ये दो चीजें जरूर ध्यान में आपको रहे, कौन किससे जुड़ता है। तो ये प्यूरिन की जितनी मात्रा होगी उतनी पाइरिमिडिन की होगी, एडिनिन बराबर
थायमिन, क्योंकि एडिनिन थायमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन की मात्रा बराबर साइटोसिन की मात्रा, क्योंकि वो उससे जुड़ता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये डीएनए का ध्यान रखेंगे, मॉडल आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल का वर्णन करिए, डीएनए के मॉडल का वर्णन कीजिए, डीएनए का ये ध्यान रखेंगे डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स द्वि कुंडलनी मॉडल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखेंगे डीएनए का रिप्लिकेशन द्विगुणन, तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन, टाइप ऑफ डीएनए, पीडीएनए, जेडडीएनए, सीडीएनए, और डीएनए के बाद आपका उसी में आरएनए और डिफरेंस डीएनए आरएनए में, ये नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें रहेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिएगा अवश्य, और इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे ये विशेष रूप से मैं आग्रह करूँगा। थैंक यू।